बुजुर्गान मोहतरम, मुअज्जज़ व मुकर्रम सामईन किराम, नौजवानान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हज का मौसम करीब आ चुका है। बहुत से अहबाब जो इमसाल हज की सआदत पाने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह हज के लिए रवाना होने वाले हैं और उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हज के महीनों में सबसे पहला महीना शव्वाल का है। शव्वाल ही से, यानी इस माह ही से हज का एहराम बांधा जा सकता है। दूर दराज से हज के लिए सफ़र करने वाले इसी महीने में हज का एहराम बांध सकते हैं। चूँकि हज करीब है, इसलिए मुनासिब हो मालूम होता है कि हज के सिलसिले में कुरान और हदीस की कुछ हिदायात अर्ज़ कर दी जाए, ताकि जो हजरात हज पर जाने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद हो, और जिनका इरादा इमसाल हज का नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह इसके बाद उनका भी नंबर लगने वाला है, तो वो भी हज की मालूमात, हज के सिलसिले में जो हिदायात हैं वो मालूम कर लें। कोई बईद नहीं कि अगर पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ और तड़प के साथ अगर हज के बातों को अगर हम सुनेंगे और उसके नतीजे में हमारे दिलों में जज्बा पैदा हो जाए और सही माने में उसका इश्क और पुख्ता आज़म हो जाए और एक तड़प पैदा हो जाए, अल्लाह ताला हज की दौलत से हमको भी मालामाल फरमा दे, कोई बईद नहीं है। इसलिए पूरे शौक़ के साथ हज की बातों को सुना जाए। ये न सोचें कि ये तो हज को जाने वालों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि अगर हम शौक़ के साथ सुनकर तड़प पैदा करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी हज मुकद्दर फरमा सकते हैं। अल्लाह की ज़ात से कोई बईद नहीं है, अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला बग़ैर असबाब के भी अपने घर जिसको बुलाना चाहता है बुला लेता है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद कि आप लोगों को हज की दावत दो, हज के लिए बुलाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ तो दूर दूर तक आबादी नहीं है,
चारों तरफ पहाड़ हैं और सहरा है और रेत के बड़े बड़े मैदान हैं, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, मैं किन लोगों तक आवाज़ पहुँचा पाऊँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, कि आप लोगों में हज का ऐलान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं किसको बुलाऊं, यहाँ तो दूर दूर तक लोग नहीं हैं। तो हदीस में आता है उलमा इकराम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आपका काम निदा देना है, आवाज़ लगाना है, आवाज़ पहुंचाने का काम हमारा है। आज की तरह दौर नहीं था कि आज तो मोबाइल का दौर है, नेट का दौर है, वसाइल हैं, असबाब हैं, ज़राए हैं कि दुनिया के कोने में बैठे हुए शख्स को भी यहाँ से देख सकते हैं और उसके हाल चाल मालूम कर सकते हैं और वो शख्स हमारा हाल चाल मालूम कर सकता है, वहाँ मौसम के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो ज़माना दुनियावी असबाब की बोहतात का नहीं था। नई टेक्नोलॉजी जो आज है मौजूद, वो उस ज़माने में नहीं थी। मुआसलात के असबाब नहीं थे, ज़राए अबलाग नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब को पैदा करने वाला खुद अल्लाह तबारक व तआला है। जिन लोगों ने नई नई इजादात की हैं, उन लोगों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो आवाज़ कैसे नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आप आवाज़ लगाइए। चुनांचे उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हजर अस्वद पर खड़े होकर, बाज रिवायतों के अतबार से सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर, बाज में फरमाया कि जबल अबू कुबैस जो मक्के मुकर्रमा में एक पहाड़ी है, उस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज का ऐलान फरमाया, हज के लिए आवाज़ दी, लोगों को हज की दावत दी, काबतुल्लाह में आने की दावत दी। उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में है, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को सिर्फ मक्के मुकर्रमा नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन तक भी पहुंचाया और जो उस वक्त बच्चे थे और माँ के पेट में थे, हमल में थे, उनको भी वो आवाज़ पहुंचाया। बल्कि जो अभी दुनिया में आए नहीं थे, जो आलम अरवाह में थे, जो रूह की शक्ल ही में थे, अल्लाह ताला ने उन तक भी वो आवाज़ पहुंचाया। और जिस जिस तक वो आवाज़ पहुंची और जिन्होंने जितनी बार इस आवाज़ पर लब्बैक कहा, अल्लाह ताला ने उतनी दफ़ा उनको बैतुल्लाह पर बुलाया, उतनी दफ़ा उनको अल्लाह ताला ने हज पर बुलाया और हज पर बुलाता रहेगा और उम्रे पर बुलाता रहेगा। जिसने एक बार लब्बैक कही वो एक बार ज़रूर हाजिर होगा, जिसने दो बार कही वो दो दफ़ा हाजिर होगा, बाज बाज खुश नसीब तो दस दस बार, बीस बीस बार। बाज ऐसे खुश नसीबों के बारे में भी है कि जिन्होंने सौ सौ दफ़ा उन्होंने लब्बैक कहा होगा तो ज़िंदगी में उनको सौ सौ हज नसीब हुए हैं।
कितने ऐसे बुजुर्गाने दीन हैं जो साल में आज भी मौजूद हैं, साल में कम से कम चार चार दफा बैतुल्लाह की हाजिरी देते हैं। तो अजीजाने गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप आवाज लगाइए, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। चुनाचे आवाज उन्होंने लगाई, अल्लाह ने आवाज पहुंचाई, और जिन्होंने जितनी दफा लब्बैक कहा उसके जवाब में अल्लाह ताला ने उतनी दफा उनके मुकद्दर में हज और उमरा अल्लाह ने नसीब फरमाया। आगे अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज के बाद यातूका रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिनिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आप आवाज लगाइए कि लोग आपकी आवाज पर आपके पास यानी बैतुल्लाह के पास आएंगे, पैदल भी आएंगे, चलकर आएंगे और ऊंटों पर सवार होकर आएंगे, दुबली पतली ऊंटनियों पर। उलमा ने लिखा है दुबली पतली इसलिए कहा गया कि जब दूर दराज से वो आ रही होंगी तो लंबे लंबे सफर, महीने दो महीने के सफर की वजह से ऊंटनियां भी दुबली हो जाएंगी। इतने दूर दराज से लोग आएंगे, यातूका अला कुल्लि रिजालिन व अला कुल्लि ज़ामिनिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। हर दूर और तंग रास्ते से वो आपके पास पहुंचेंगे यानी बैतुल्लाह के पास पहुंचेंगे। अजीजाने गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की कबूलियत उस दुआ की, उसका असर ये है कि हर साल लाखों की तादाद में लोग हज के लिए पहुंचते हैं। क्या गरीब, क्या मालदार, क्या गोरे, क्या काले, और क्या औरतें, क्या मर्द, हर एक पूरे शौक के साथ, पूरे जज्बे के साथ दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ जबान बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, गुजराती जबान बोलने वाले, हमारे इस मुल्क में कितनी जबानें चलती हैं, इसके अलावा भी दुनिया की मुख्तलिफ जबानें, वो सब लोग वहाँ पर नजर आएंगे। तुर्की जबान वाले, ईरान वाले, अफगानिस्तान वाले, जितने ममालिक हैं वहां के सब लोग, अंग्रेजी बोलने वाले, अजीजाने गिरामी, सब लोग जो पहुंचते हैं यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का असर है। तो बहरहाल मैंने अर्ज किया कि अगर शौक के साथ, जज्बे के साथ, अगर एक तड़प के साथ और वाकई सच्ची तड़प के साथ अगर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला जरूर हज नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं है। कितने ही बड़े बड़े मालदार लोग हैं, हर साल हज पर जा सकते हैं, हर साल उमरे कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी गुजर रही है, हज की तौफीक नहीं होती। जब भी उनसे कहा जाता है कि बहुत मशगूली है, मसरूफियत है, कारोबार है, जिम्मेदारियां हैं, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, नतीजा ये होता है कि बाज़ औकात बगैर हज के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और कितने ही ऐसे गरीब कि जिनको दो वक्त की रोटी भी पेट भरकर मयसर नहीं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला बार बार हज पर बुलाते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला इंतजाम करते हैं। बात असल में यह है कि अल्लाह ताला जिसको बुलाते हैं वो पहुंचता है। ई सआदत बजोर बाजू नेस्त तारा बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये हज की सआदत अपने ताकत और जोर के बल पर नहीं है। ई सआदत बजोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। जब तक बख्शने वाला, अता करने वाला खुदा जब तक न बख्शे। तो अजीजाने गिरामी, ये हज का मौसम है,
तो इस मुनासबत से कुछ बातें हज के सिलसिले में समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे और बातें भी हमारे सामने आती जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ही के लिए, वलिल्लाहि अल्लाह ही के लिए वाजिब और फर्ज है। वलिल्लाहि अलन नास लोगों पर लाजिम है, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति बैतुल्लाह का हज करना, मन इस्तता इलैहि सबीला जो वहां तक पहुंचने की सबील और रास्ते की इस्तेतात रखता हो। मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। और जो कोई इनकार करे, जो कोई कुफर करे, वमन कफरा तो याद रखे और सुन ले ये बात, फइन अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन अल्लाह ताला सारे जहां वालों से बेनियाज है। फइन अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। अजीज आमी उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने वलिल्लाह से आयत को शुरू फरमाया, यानी हज की फर्जियत का जब अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो सबसे पहले लिल्लाह का लफ्ज लाया, यानी अल्लाह ही के लिए। हालांकि दूसरे फराइज को भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, नमाज का जिक्र भी अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लेकिन वहां पर अकीमुस्सला फरमाया, और जक़ात का जिक्र भी है वह आतुज़्ज़कात फरमाया, और रोजे का जिक्र है तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, इसी तरह फमन शहीद मिनकुमुश्शहर फलयसुम फरमाया। यानी इन सब फराइज में अल्लाह ताला ने अपने नाम को पहले नहीं लाया, और हज के लिए खुसूसियत के साथ अल्लाह ने अपना नाम पहले जिक्र किया वलिल्लाहि। तो इसमें उलमा फरमाते हैं इस बात की तरफ इशारा है कि हज करने वाले हाजी के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले ये नियत करे कि मैं जो हज कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और दूसरी इबादतों में रियाकारी का उतना जज्बा, दिखावे का उतना जज्बा पैदा नहीं होता जितना रियाकारी का जज्बा और रियाकारी का ख्याल हज के सफर में पैदा होता है कि लोग मुझे हाजी कहें। वलिल्लाहि इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के लिए हज करो, वलिल्लाहि अलन्नास। और आगे फरमाया अलन्नास, अलन्नास का मतलब है लोगों पर लाजिम है, लोगों पर जरूरी है और वाजिब है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति बैतुल्लाह का हज करना, मन इस्तता इलैहि सबीला जो शख्स वहां तक पहुंचने की इस्तेतात रखता हो। तो इसमें उलमा फरमाते हैं कि हज करना हर एक पर लाजिम और जरूरी नहीं है। इस्लाम की जो पांच चीजें हैं बुनियादी, जिसको हदीस में फरमाया गया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, के पांच चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। सबसे पहले शहादतैन की गवाही देना, शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज नमाज है, नमाज कायम करना। तीसरी चीज जकात है। चौथी चीज रोजा है। और पांचवी चीज के जिस पर इस्लाम की बुनियाद है वो हज है। अजीजान गिरामी, ये हज को अल्लाह ताला ने आखिर में रखा। तरतीब बिल्कुल सही है। हर दिन हर एक शख्स पर, जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, उस पर पंज वक्ता नमाज फर्ज है, चाहे वो हजर में हो, चाहे वो सफर में हो, चाहे वो सेहतमंद हो, चाहे बीमार हो, किसी हाल में नमाज माफ नहीं है।
खड़े होकर पढ़ नहीं सकता तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है, बैठकर नहीं तो फिर लेटकर इशारे से पढ़ने का हुक्म है, लेकिन नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है। और रोजा साल भर में हर महीना फर्ज नहीं है, साल भर में एक महीना रमजान और मुबारक का अल्लाह ने फर्ज किया है, ये भी हर एक पर फर्ज है। इसमें भी मालदार और गरीब की कोई तकसीम नहीं है, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हर एक पर फर्ज है। शर्त यह है कि मुसलमान हो, अकलमंद हो, बालिग हो। हाँ अलबत्ता अगर बीमार है तो उस वक्त छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उस पर उसकी कजा करना जरूरी है। सफर में है तो छोड़ सकता है, बाद में कजा करना जरूरी है। यानी मतलब यह है कि नमाज और रोजा हर एक पर, तकरीबन हर एक पर फर्ज है, किसी से यह फर्ज साकित नहीं है। और तीसरे नंबर पर जकात है, और जकात यह हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है, सिर्फ उस शख्स पर जो साहिब निसाब हो, और वो भी साल में हर महीना फर्ज नहीं है, बल्कि साल में एक दफा, वो भी एक महीना नहीं बल्कि एक दफा फर्ज है। अगर कोई अपनी जकात एक ही दिन में एक ही वक्त में अदा कर दे तो वो जकात अदा हो गई, और वो भी हर शख्स पर नहीं। वहां पर भी शर्त है कि मुसलमान होना चाहिए, अकलमंद होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, साहिब निसाब हो, जो जिसकी तफसीलात तो आप जानते हैं अजीजाने गिरामी। तो ये हर साल जकात फर्ज, हर साल रोजे फर्ज हैं, और हर दिन नमाज फर्ज है, लेकिन हज का मामला ऐसा नहीं है। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, और वो भी हर शख्स पर नहीं है। यहां पर अकलमंद और मुसलमान और बालिग होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो जाने आने तक का जितना खर्च है वो सारा खर्च उसके पास मौजूद हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको फुकहा ज़ाद और राहिला से ताबीर करते हैं, यानी जाने आने का जो सफर खर्च है, जाने के लिए सवारी मौजूद हो, और रास्ते में और वहां पर पहुंचने के बाद खाने पीने का सारा खर्च उसके पास मौजूद हो, और वहां जितने दिन क़याम करेगा उतने दिन उसके पास खाने पीने का इंतजाम हो, वहां पर रिहाइश इंतजाम हो, वहां से वापस आने का इंतजाम हो, और उसकी कफालत में जो लोग मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनका खर्च देना, और उसकी इस्तेताअत भी उसके पास मौजूद हो, उसके बीवी बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, माँ बाप हैं जो मोहताज हैं, जो इसी के खर्च पर उनका गुजरान होता है और वो गुजरान करते हैं। तो ये जितनी मुद्दत तक यहां से गायब रहेगा, जाकर आएगा डेढ़ महीना दो महीना, उतनी मुद्दत तक उनको पूरा पैसा पूरा इंतजाम वो कर सके, ये सब चीजें अगर मौजूद हैं तो उस पर हज फर्ज होता है। हर नमाज जिस पर फर्ज है उस पर हज फर्ज नहीं है, रोजा हर एक पर जो फर्ज है उस पर हज फर्ज नहीं है, जकात जिस पर फर्ज है उस पर भी हज फर्ज नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी शराइत हैं कि जाने आने का पूरा खर्च वहां पर मांगना ना पड़े, वहां पर किसी के सामने हाथ फैलाना उसको उसकी जरूरत और उसकी नौबत ना आए, और इसी तरह सेहतमंद भी हो, अपाहज ना हो और माजूर ना हो, बीमार ना हो। बीमार हो तो उस पर भी नहीं है, यानी इतना बीमार कि जो आ जा नहीं सकता हज के सफर पर, और रास्ता पुरअमन हो कि जाने आने तक का रास्ता बिल्कुल अमन वाला हो, कहीं दरमियान में दुश्मन हमला उस पर न कर दे, उस काफिले पर हमला न कर दे। इसी तरह अगर किसी दरमियान में कोई मुल्क ऐसा पड़ता है कि वहां पर जंग चल रही है, और अगर ये वहां से गुजरेगा तो हो सकता है कि कोई मिसाइल या कोई एटम बम उसको लग जाए,
और उनके काफिले को लग जाए, यानी ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रास्ता पुरामन हो, इत्मीनान से जाकर इत्मीनान से आ सके। इन सारी शराइत के साथ हज फर्ज है, और वो भी जिंदगी में एक बार फर्ज है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इंसान की फितरत का और उसकी उसके तकाजों का और उसकी जरूरियात का अल्लाह ने कितना ख्याल फरमाया है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई तंगी नहीं है, कि किसी पर खामखा जबरदस्ती कोई बोझ नहीं है। हर एक अमल और अल्लाह ने हर एक चीज जो फर्ज फरमाई है वो बिल्कुल फितरत के मुताबिक है। अजीजाने गिरामी, तो बहरहाल मनिस्तता इलैहि सबीला में ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें हों तो हज फर्ज होता है, और अगर किसी के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं तो उसके लिए हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि वो जल्द से जल्द हज कर ले। हदीस में आता है, मन अराद अल हज फलयुअज्जिल, जो शख्स हज का इरादा करे चाहिए कि वो जल्दी कर ले, इसलिए कि ये ऐसा फर्ज है कि फर्ज होने के बाद उसको जल्दी अदा कर लिया जाए। हो सकता है कि फर्ज उस पर हो गया था, उसने ताखीर की, ताखीर करने की वजह से हालात बदल गए, जितना माल उसके पास था अब उसके पास वो माल उतना मौजूद नहीं है, अब जाना चाहता है लेकिन उसकी उतनी सितात नहीं है जितनी पहले थी, या सेहत पहले थी अब जाना चाहता है लेकिन सेहत अब नहीं है, या दूसरी जरूरियात आ गई, या जिंदगी ही का भरोसा क्या है कि कोई एक लम्हे की गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए जब हज फर्ज हुआ फौरन हज की अदायगी की फिक्र करें और उसका इंतजाम करें। और इस्लाम का ये आखिरी और तकमीली रुकन है, इस पर अल्लाह ताला ने हज पर अल्लाह ने इस्लाम के सारे अहकाम को मुकम्मल फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में थे 10 साल 13 साल। आप हजरात जानते हैं वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का आगाज हुआ, 40 साल में वही नाजिल हुई, 13 साल आप मक्के मुकर्रमा में थे लेकिन हज फर्ज नहीं हुआ। नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई मेराज के जरिए से, लेकिन हज फर्ज नहीं था। शुरू के 13 साल गुजर गए, फिर आप वहां से हिजरत किए और मदीने तैयबा पहुंचे, तो वहां भी पहले दूसरे साल हज को अल्लाह ने फर्ज नहीं फरमाया। दूसरे साल अलबत्ता अल्लाह ने रोजों को फर्ज फरमाया और जकात को फर्ज फरमाया। सन 2 हिजरी में दोनों चीजें फर्ज हुई हैं। अजीजाने गिरामी, मदनी जिंदगी गुजर रही है, 5 साल गुजर गए हज फर्ज नहीं हुआ, बल्कि सन 9 हिजरी में अल्लाह ने हज को फर्ज फरमाया है। यानी नबूवत मिलने के तकरीबन 21 साल बाद अल्लाह ने हज को फर्ज फरमाया। और जिस साल पहला साल जो हज फर्ज हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का अमीर बनाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों की एक जमात आपने रवाना फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपके जान निसार और वफादार सहाबी हैं, मिजाज शना से रसूल कहते हैं आपको, उनको सबसे पहले अमीर हज बनाकर उनके साथ मुसलमानों को आपने रवाना फरमाया। फिर उसके बाद वाला साल जो आया सन 10 हिजरी का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज भी है और पहला हज भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल ऐलान फरमाया कि जो जो हज का इरादा रखते हैं वो मेरे साथ इस साल हज के लिए तैयार हो जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस साल जो आपकी जिंदगी का आखिरी हज था,
तकरीबन 1,25,000 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपके साथ हज अदा किया है, हज फरमाया है। अजीजान गिरामी, उलमा फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों का जो इस्लाम का पहला हज है जो उन्होंने अदा फरमाया, क़यामत तक जितने अहबाब हज करेंगे उन सब का सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों को भी मिलेगा। सिर्फ हजरत अबू बकर ही को नहीं बल्कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों के साथ जितने सहाबा इकराम थे उन सब को भी हर साल हके हज का सवाब उनको बराबर मिलता रहेगा। इसलिए कि हदीस में है कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, जो कोई भी नेकी का काम शुरू करता है उसको देखकर उसके बाद वाले जो जो भी नेकी करते हैं कियामत तक उन सब का सवाब उस पहले शुरू करने वाले को भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सहाबा इकराम अल्लाह तबारक व ताला ने कैसी मुकद्दस जमात उनको बनाया है, कितना कुर्बान होने वाले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज है कि उसके बाद आप सिर्फ 2-3 महीने आप जिंदा रहे दुनिया में बाहयात रहे, उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। जिलहिज में आपने हज फरमाया, फिर मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल में आपकी वफात हो गई। आपने हज्जतुल वदा में बाकायदा ऐलान फरमाया था कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके बाद जिंदा रहूंगा, इसलिए जो जो अहकाम मालूम करने हैं मुझसे सीख लो, मुझसे मालूम कर लो। मैदान अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आखिरी हज में जुमा का दिन था, असर के बाद अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज मैंने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है। अजीजाने गिरामी, जो तकमीली जो रुकन है इस्लाम का वह हज है। सहाबा इकराम भी अजीबो गरीब थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हज को मुकम्मल रिकॉर्ड किया है। कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से रवाना हुए, कब आपने एहराम बांधा और ऊंटनी पर कब सवार हुए, और मीकात जो बीरे अली के नाम से है वहां पर कब पहुंचे, आपने कौन सी नमाजें वहां पर पढ़ी, वहां से कितने दिन आप रवाना हुए, कितने दिन सफर में थे, सफर में क्या क्या हालात पेश आए, कब मक्का मुकर्रमा पहुंचे, कब मुजदलिफा, कब मीना अरफात, एक बात एक एक बात इस तरह रिकॉर्ड की गई है। गोया आज के दौर में मैं समझता हूं कि ये मोबाइल के जरिए से भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अच्छा और उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके पर सहाबा इकराम ने रिकॉर्ड फरमाया है। एक एक सहाबी ने अपनी अपनी तरफ से जो बयान किया है कि आपकी क्या कैफियत थी, आपकी चादर के चादर ओढ़ने का अंदाज क्या था, आपने किस वक्त क्या फरमाया, किसके सवाल में क्या जवाब दिया, पूरी पूरी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की मौजूद है। आज तो अल्लाह का फजल है कि मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, आप उसमें लिखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज और उसका तफसीली जिक्र आप लिख दीजिए, उसमें पूरी तफसीलात आ जाए, आप खुद सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो बयान करने वालों को आप देख सकते हैं। लेकिन हमको फुर्सत नहीं है, हम दूसरी चीजों में मसरूफ रहते हैं। दीन की बातें सीखने समझने का ना शौक है ना जज्बा, अल्लाह ताला हमको वो जज्बा आता फरमाए। तो बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, तो जो कोई इस्तितात रखे तो वो फौरी तौर पर हज करे। अगर कोई शख्स बावजूद इस्तितात के मम्मलक ज़ादन व राहिलतन फलम यहुज उसके बावजूद हज नहीं करता,
तो फला अलैहि अन यमूत यहूदियन व नसरानियन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। कितनी सख्त वईद है अज़ीज़ाने गिरामी। मुशरिकीन काबतुल्लाह का हज करते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। यहूद व नसारा नमाज पढ़ते थे लेकिन हज नहीं करते थे। इसलिए फरमाया कि अगर कोई शख्स हज नहीं करता है तो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं कि वो इस्लाम पर मरेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अनु तफसीर दुर्रे मंसूर में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स साहिब इताअत होने के बावजूद भी अगर हज नहीं करता है और उसी तरह दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो कयामत के दिन उसके पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, हज के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व ताला कुरान और हदीस की इन बातों को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल का जज्बा पैदा फरमाए। और जो अहबाब इमसाल हज की सआदत पा रहे हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। और इसी तरह जितने लोग मौजूद हैं जो हज का जज्बा और ख्वाहिश रखते हैं लेकिन बावजूद इसके वो हज नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को जिंदगी में कम से कम एक बार उसके घर का दीदार नसीब फरमाए और हज और उमरा नसीब फरमाए। जो गए हैं उनको भी अल्लाह ताला बार बार बुलाए। आमीन। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।